तो बीवी क्या बन रहा है? पराठा बन रहा है, चाय रख दी है मैंने। अच्छा, चाय भी माशाल्लाह। टमाटर की चटनी से रोज़ रखते हैं। ओहो, बड़ी चटपटी सहरी होने वाली है आज तो। और दही भी, आप एक काम करो ना, दही से पराठा करो। नहीं, मैं कुछ लेने नहीं चाहता यार, मैं रोटी बनाऊं क्या? मैं सिर्फ चाय ले लूँगा एक, और एक रोटी दे देना एक, मतलब पराठा मत देना, पराठे जैसी रोटी दे देना। ऐसा कर दूँ बस, सेक के। हाँ, तेल नहीं होना चाहिए बस, सेक दूँ। हाँ, राम नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, क्या बोल दी पब्लिक, सुन बचा दे, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, सम्मान के साथ आपका नए व्लॉग में स्वागत है, और वक्त हो गया तहज्जुद का, जल्दी से तहज्जुद पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया और नींद बहुत तेज़ आ गई थी। 4:30 बज रहे हैं तकरीबन, 4:30 में 10 मिनट की देर है, तो जल्दी से हम सहरी करेंगे। उससे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, और हमजा जानी उधर उठ गए हैं, तो हमजा जानी को लेके आते हैं और उनको अपने पास लेटेंगे, मतलब मैं वहाँ आगे नमाज़ पढ़ लूँगा और हमजा जानी को उधर ले जाऊँगा। तो ये हमारे हमजा जानी लेटे हुए हैं, और दानियल भी जग गई हैं, तो हमजा जानी को उधर ले चलते हैं आगे। चलो हमजा। Few moments later. तो दोस्तों, सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सहरी बढ़िया थी, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है सहरी में, मैंने सिर्फ एक टी ली है और पराठा बनवाया था, वो भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि थोड़ी सी ब्लोटिंग हो रही थी। चिकन फ्राई इतना हैवी था कि वो अभी तक मेरे स्टोमक में है, तो मुझे भूख लग नहीं रही है। तो सहरी में सिर्फ मैंने चाय ली है और बहुत सारा पानी पिया है, और अभी अजान हुई है फजर की, तो चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने, और बहुत सारी दुआएं करनी है। तो और एक बात और बताना चाह रहा था मैं आपको, कि इतनी ख़तरनाक सर्दी हो रही है कि पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो चुकी है मेरी, और एकदम ये अजीब तरह का नज़ला हो रहा है मुझे, एकदम मतलब ड्राई ड्राई है, और ब्रीथ लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये मेडिसिन तो कंटिन्यू ले रहा हूँ मैं, और इसके साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ मैं नेज़ल स्प्रे भी ले रहा हूँ, ताकि क्या है कि मेरे नाक खुल जाए, नॉस्टिल है वो खुल जाए। तो चलते हैं, वज़ू तो मैंने बना लिया है, वज़ू मेरा है, तो सीधे चलेंगे मस्जिद में और नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पर। आज भी दोस्तों थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा है, इतनी गर्मी नहीं है, और गर्मी तो आपको पता ही है कि दोपहरी में हो जाती है, इस टाइम इतनी गर्मी नहीं देती, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम चिल्ड है। और ताक रातों में तो क्या होता है कि अल्लाह ताला बहुत सुकून दे देता है और ठंडक भी देता है। माशाअल्लाह, चौराहे का जो झूमर है वो बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, और अच्छा लग रहा है, लाइट वाइट कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। झूमर को थोड़ा सा फैला दिया है तो ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। Five hours later. तो दोस्तों, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, और आज जुमा है, और ये रमज़ान का आखिरी जुमा है, ये 4th जुमा है, तो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। बहुत ही स्पेशल जुमा है, क्योंकि ये इस रमज़ान का लास्ट जुमा है, तो बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला से बहुत सारा मांगना है। तो जल्दी से चलते हैं मस्जिद में और नमाज़ पढ़ते हैं, और मैं आगे वाली मस्जिद में जाऊँगा, पीछे वाली मस्जिद में नहीं जाऊँगा। वैसे ऐलान ये हुआ था कि पूरी धार में, कि धार की जो शाही जामा मस्जिद है उसमें ही नमाज़ पढ़नी है जुमे की, बाकी मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ बहुत लेट होता है जुमा, और गर्मी भी बहुत है, और रोज़े की अभी रोज़ा भी है, तो मैं आगे की मस्जिद पे ही जाऊँगा, नमाज़ पढ़ के आते हैं। एक इंसान का नफ्स जो है, नफ्स से हमारा होगा,
नफ्स की दूसरी किस्म है नफ्स लवामा। एक नफ्स इंसान का वो होता है कि जो इंसान गलती हो जाती है, गलतियां उसने कर ली लेकिन उस गलती के बाद उसको। माशाल्लाह दोस्तों, मेरी जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है, बस अभी जस्ट जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ही आ रहा हूँ मैं। और इतनी भीषण वाली गर्मी है ना कि बता नहीं सकता हूँ। थोड़ी दूर चलने में ही मुझे चक्कर आने लग गए, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। दोस्तों एफटीआर का सामान लेने मुझे जाना है, तरबूज भी लेके आना है, केले भी लेके आना है, तो चलते हैं लेके आते हैं, शॉपिंग करते हैं। और आयतुल आप क्या कर रही हो, खेल रही हो आप? मैं मार्केट जा रहा हूँ, दवा लेने जा रहा हूँ। चलो बाजार नहीं जाना, देर से डेडी से चली जाना। चलो रेंदो रेंदो, अरे मत जाओ रेंदो। चलो को ले लिया अपने थैली में, दे दो मेरे को। तो दोस्तों इफ्तार का टाइम हो चुका है, जल्दी से रोजा खोलते हैं और दुआ करते हैं। दानियल खिलाओ बब्बा को। बब्बी जानी बब्बू जाना, मम्मा बब्बी जानी बब्बू जाना, बब्बा जानी बता दो वीडियो कैसे लग रही है। अभी बनाए तो सही, दिखाना तो इधर, दिखाना तो अपनी पिटाई लगाएगी आपकी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं हम यही एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल पर आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।